गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज सी प्लस प्लस में अपन देखेंगे, कल पिछली क्लासेस में अपन कंडीशनल स्टेटमेंट देखें, आज सी प्लस प्लस में अपन देखेंगे लूप्स। तो सी प्लस प्लस में जो लूप्स हमारे पास हैं, तीन टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। एक एक लूप के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, जो लूप होता है वो लूप अपन क्या, लूप की डेफिनेशन क्या होती है, लूप की किसी कंडीशंस के आधार पर स्टेटमेंट का जो बार बार रिपीटेशंस कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, लूप कहलाता है, लूपिंग। ठीक है, कंडीशंस के आधार पर स्टेटमेंट जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट्स को क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है, रिपीटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम से जो लूप एंट्री है, यहाँ कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, फिर वापस आपके आएंगे। अगर कंडीशन दी गई कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम लूप के कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारा लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, जहां जो भी कंडीशन हमने स्टॉप कंडीशन दी। अब देखिए हमारे पास कितने टाइप्स के लूप हैं, थ्री टाइप के। देखिए, ट्रू पर अंदर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, फॉल्स पे हम लूप से बाहर हो जाते हैं। व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। तो पहला हमारे पास आए थे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप जो हमारे पास है उसका सिंटैक्स क्या है, पहले हमारे पास वेरिएबल आता है यानी इनिशियलाइजेशन वैल्यू, उसके बाद हमारे पास कंडीशंस, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स और फिर हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यानी हमारे पास पहले कहाँ से स्टार्ट करना है वो हम पहले देते हैं, कहाँ पर स्टॉप करना है वो हम लूप व्हाइल लूप के अंदर कंडीशंस में देते हैं, कौन से स्टेटमेंट्स को रिपीट कराना है वो हम स्टेटमेंट में देते हैं, कितने का इंक्रीमेंट करना है, टू का, वन का, थ्री का, जितने का भी इंक्रीमेंट करना है वो हम कहाँ देते हैं, लूप के अंदर, लूप से बाहर। फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं सिंटेक्स है, अब एक एग्जाम्पल देके समझते हैं कि सी प्लस प्लस व्हाइल लूप से मान लो अपन को एक से लेके दस तक के नंबर प्रिंट कराने, तो कैसे प्रिंट कराएंगे। तो सी प्लस प्लस को अपन ओपन करेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर नहीं डाला है सॉफ्टवेयर डाल लें और प्रैक्टिस जरूर करें। जब वीडियो देखें, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वीडियो देखने में, आपको क्या करना पड़ता है, वीडियो देखिए, उसको नोट करते जाइए, जो चीज़ ना समझ में आए वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इंक्लूड आयो स्ट्रीम ओपन किया, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD ये अपन ले लिया, और इसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट किया इंट मैन, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे हमने दे दिया इंट आई इक्वल टू वन, हमें कहाँ से हमने दे दिया, यानी आई डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल इसको नई लाइन पे भी कर सकते हैं ऐसे, आई इक्वल टू वन, यानी हमने लूप कहाँ से स्टार्ट किया, वन से स्टार्ट किया। अब हमारे पास कंडीशन क्या हमने दे दिया, व्हाइल कहाँ पे रोकना है, आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती, उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट कंसोल आउटपुट आई को प्रिंट करा लिया। न्यू लाइन के लिए हमने क्या बताया, स्लैश एन लगा सकते हैं डबल कोट में या एन डेल यूज कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस वन ऐसे भी दे सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई इक्वल टू आई प्लस वन एक तरीका हमारे पास ये, ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं अपन, आई इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू वन ऐसे, दोनों में जो तरीका आपको बेस्ट लगे। उसके बाद अपने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, सेव। अपन ने यहाँ जैसे लगा दिया व्हाइल, पहला डेमो प्रोग्राम सेव कर दिया, व्हाइल डेमो सेव, प्रोग्राम को सेव किया। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया अपन, सॉरी पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया अपन ने, ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा, एरर्स जीरो, वार्निंग जीरो। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे यानी रन करेंगे, देखिए वन से लेकर 10 तक नंबर हमारे पास प्रिंट हो गए, तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हम चाहते हैं कोई नंबर इनपुट करें और उस नंबर का हमारे पास क्या आना चाहिए, टेबल आ जाना चाहिए, तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं और आई इक्वल टू नम, यहाँ पे दे दिया सी आउट एंटर एनी वैल्यू, कह सकते हैं एंटर एनी, एंटर द एनी वैल्यू, ठीक है, सी इन यहाँ पे दे दिया हमने जैसे नम, बस यहाँ पे क्या कर दिया, वन से लेकर 10 तक चलाना है, बस जहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे आई इंटू नम, क्या कर दे आई इंटू नम, प्रोग्राम सेव कंपाइल, प्रोग्राम को रन करा दिया, प्रोग्राम को क्या कर दिया, रन कर दिया अपन। तो प्रोग्राम अपने कंपाइल किया, अब हमसे मांग रहा है एंटर द वैल्यू, हमने डाला 5, क्या इनपुट किया हमने 5, ये देखिए 5 का टेबल आ गया। तो
तो ये लूप हमारा क्या कहलाता है, व्हाइल लूप। एक चीज ध्यान रखना, व्हाइल लूप में कभी हम सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते, सेमी कॉलन नहीं लगाते। दूसरी कंडीशन व्हाइल लूप में यहाँ पास आती है, जैसे हम ट्रू कंडीशन भी इसको चला रहे हैं, तो इसमें हम बन कंडीशन भी बन पास कर सकते हैं, तो यानी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, लूप ऑटोमेटिक आपका क्या होता रहेगा, एक्सिक्यूट होगा। व्हाइल लूप के बाद कभी हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं करते। तो ये आपका किसका लूप हो गया, व्हाइल लूप का एग्जाम्पल। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अच्छा फॉर लूप से, व्हाइल लूप से। ठीक है, अब जैसे फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम अपन को निकालना है, व्हाइल लूप से फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना, तो कैसे बनाएंगे अपन, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन। ठीक है, उसके बाद अपन यहां से वैल्यू ले लेते हैं नम, एक आई और एक ले लेते हैं एफ। ठीक, और एक ले लेते हैं अपन एफ, किसके ले लेते हैं अपन एफ, एफ इक्वल टू असाइन कर देते हैं वन, क्या असाइन कर देते हैं वन। अब अपन यहां पर देते हैं सी आउट एंटर द वैल्यू। ठीक है, यहां भी कर लिया सी इन नम। अब लूप चलाना कहाँ से, हमने दे दिया आई इक्वल टू फैक्टोरियल लॉजिक, मालूम है कि हर एक नंबर अपने प्रीवियस नंबर से टूटता जाता है और आपस में वैल्यू क्या होती जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इस टाइप से। तो यानी हर एक वैल्यू अपने प्रीवियस, जैसे हमने 5 इनपुट किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस टाइप से हमारे पास चलता। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से हम वैल्यू इनपुट करें वहाँ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, व्हाइल आई लेस देन या आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर ले सकते हैं ठीक, उसके बाद यहां पे कर सकते हैं एफ इंटू आई, क्या कर सकते हैं एफ इंटू आई, और यहां पे दे देंगे आई माइनस माइनस, यानी आई में अपन क्या कर देते हैं एक का डिक्रीमेंट कर देते हैं। क्लियर, उसके बाद अपन कर देते हैं सी आउट फैक्ट एफ, क्लियर, रिटर्न 0, सेव, प्रोग्राम को कंपाइल, प्रोग्राम को रन, अपन ने डाला 5 6, देखिए आ गया। इस टाइप से हम प्रोग्राम को करते हैं, तो ये हमारा किसका हो गया, व्हाइल लूप के। और भी एग्जांपल जो आप सी में करें उनको सबको प्रैक्टिस करना, सी प्लस में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ये देखिए अब अभी स्टार्टिंग चल रहा है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सी के प्रोग्राम उतना आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर लूप। फॉर लूप देखिए, हमारे पास फॉर लूप जो होता है उसमें हमारे पास एक ही स्टेटमेंट में हम तीनों चीज़ें डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइजेशन यानी कहाँ से लूप चलाना है, कंडीशन यानी कहाँ पर लूप रोकना है, नेक्स्ट कहाँ पर लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपन को करना, और इसके अंदर के स्टेटमेंट। ठीक है, तो दूसरा लूप अपन देखते हैं फॉर लूप, ये सिंटैक्स है, एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप का। जैसे अपन लिया फॉर, ठीक है, जैसे अपन लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन। ठीक, उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, जैसे लूप चलाना अपन को 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट करना, पर कैसे प्रिंट कराना, 2
चार छः सात सात छः आठ ऐसे दो दो का इंक्रीमेंट करके चलाना। तो आई अपन यहाँ ले लिया फॉर, क्या ले लिया फॉर, कहाँ से स्टार्ट करना, दो से, कहाँ पे स्टॉप होना, ठीक है, आई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पे दिया अपन ने आई प्लस इक्वल टू 2, यानी आई में दो का इंक्रीमेंट, आई में दो का इंक्रीमेंट, क्लियर। सी आउट आई को प्रिंट, एंडल किसको प्रिंट करा लिया अपन ने, एंडल। तो ये देखिए प्रोग्राम हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 2 से स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टॉप किया, 20 पे, इंक्रीमेंट कितने किया, 2 का इंक्रीमेंट किया। अब अपन यहाँ से इसको रिटर्न सेव फॉर, ठीक है, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया और प्रोग्राम को यहाँ से रन कर, देखिए 2 से लेके कहाँ तक आया, 20 तक। अगर आपको 3 का इंक्रीमेंट करना है, जैसे मान लो 3 का इंक्रीमेंट में चलाना है, जैसे आपने किया 1 और 1 की बात आपने 3, एक ही जगह सारी वैल्यूज आप यहाँ से कंपाइल और एग्जीक्यूट, ठीक है। अब जैसे मान लो इससे एक प्रोग्राम बनाना है आपको कि कोई भी नंबर इनपुट करें उस नंबर का आपको क्या दे, मान लो सपोज टेबल ही प्रिंट करानी है अपन को, ठीक है, तो अपन कैसे बनाएंगे इसको, एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन मैन मैन, और यहाँ पर अपन ने दे दिया क्या, इंट इंट आई नम सी आउट एंटर द वैल्यू सी इन, अपने यहाँ पर देखिए नम, क्या देखिए नम, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस सी आउट आई इंटू नम न्यू लाइन के लिए एंडल, और यहाँ से कर दिया अपन ने रिटर्न 0, क्या कर दिया, रिटर्न रिटर्न 0, सेव फॉर 2, तो वहाँ को हमने यहाँ से कंपाइल, तो वहाँ आपको जैसे हमने डाला 5, तो 5 का टेबल कर दिया, ठीक, हमने यहाँ से किया रन 6 7 डाला, 7 का टेबल कर दिया, ये जो हमने डाला उसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोग्राम को हमने प्रिंट करा। तो ये जो काम हमारा करता है ये कौन करता है, हमारा फॉर लूप करता है, कौन करता है, फॉर लूप। अब देखिए फॉर लूप में हमारे पास नेक्स्ट अपन चलते हैं ये, अब जैसे मान लो अपन को नेस्टेड लूप चलाना है, फॉर में कैसे चलाना है, नेस्टेड, जब हम एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप से एक मोर देन वन लूप लगा देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो लूप है ये हमारा कहलाता है आउटर लूप, कौन सा लूप कहलाता है, आउटर लूप, और ये वाला लूप हमारा अंदर वाला क्या कहलाता है, इनर वन। तो लूप के एक बार चलने पर इनर लूप अपने कितने टाइम चलता है, अपने कंप्लीट टाइम चलता है। अब देखिए इसमें भी अपन एक प्रोग्राम बना के आपको समझाते हैं सिंटैक्स है, अब प्रोग्राम से अपन नेस्टेड का समझाते हैं आपको। तो हमने यहाँ दिया सोर्स हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस नेम स्पेस स्टडी इंट मैन इंट मैन, ठीक, हमने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जाम्पल इंट आई
आई इंट जे हमने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे लूप चला रहा था फॉर 5 बार स्टार पर लगा, तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस यहाँ पे दे दिया अपन ने फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सी आउट, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करा दिया, स्टार प्रिंट करा दिया। ठीक, स्टार एक लाइन पर न्यू लाइन पर मैं सब ने यहाँ पर सी आउट एंड क्या दिया एंड एंड क्लियर। इसके बाद हमने लूप के अंदर बाहर है रिटर्न जीरो, क्या कहते हैं रिटर्न जीरो, सेव फॉर प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कराया, प्रोग्राम के यहाँ से हमने स्टार्ट, क्लियर। इस टाइप से देखिए ये हमारा क्या, जैसे एक बार चला तो ये एक से लेके कहाँ तक चलेगा, आई तक, यानी ये अपने कंप्लीट है। आई अगर वन चला तो ये कहाँ से लेके, वन से लेके वन तक। अगर आई की वैल्यू टू होगी तो कितनी बार चलेगा, वन से लेके टू टाइम्स चलेगा, यानी कि इस आउट इन आउटर लूप के चल एक बार इंक्रीमेंट होने पर इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम इंक्रीमेंट होता है। तो इस टाइप से हम इसको किसका यूज करते हैं, नेस्टेड लूपिंग का यूज करते हैं। पूरे सी की तरह से, सी की तरह आप काम करेंगे, सी आउट सीन को यूज करना है आपको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर को हम ऐसे भी चला सकते हैं, जैसे मान लो एज ए वाइल की तरह भी चला सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया, जैसे एज ए फॉर को हमें वाइल चलाना तो हम ऐसे भी चला सकते हैं इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, इंट मैन। अब जैसे हमने मान लो एज ए वाइल चलाना तो हमें एज ए इंट आई आई इक्वल टू हमने यहाँ दे दिया वन, तो फॉर पहला खाली और आई लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पर दे दिया, इसको भी टर्मिनेट कर दिए और इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू हम कहाँ देंगे लूप के अंदर, सी आउट, सी आउट आई को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया और यहाँ पे दे दिया हमने क्या एंड है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, इसी के अंदर हमने आई प्लस प्लस क्या कर दिया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई में एक का इंक्रीमेंट कर, उसके बाद हमने रिटर्न जीरो सेव किया और इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया और प्रोग्राम को हमने रन करा दिया, ऐसे भी चला सकते हैं। ठीक, अगर हम चाहें तो इसके अंदर अभी अपन कोई इंक्रीमेंट वैल्यू अपन को नहीं रखनी, अगर नहीं अपन को रखना चाहते तो हम ऐसे भी चला सकते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट करा सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। अगर हम चाहें जैसे इसको इन्फिनाइट चलाना है तो हम इसको ऐसे भी चला सकते हैं। तो अब ये हमारा लूप कैसे चलेगा, इन्फिनाइट चलेगा, ये देखिए, अगर रन करा दो ये देखिए लूप हमारा इन्फिनाइट चल जाएगा, क्लियर। तो अगर हमें इन्फिनाइट चलाना है तो इस टाइप से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब अपन देखते हैं डू लूप, कौन सा लूप, डू लूप। अब इसी में जैसे अपन डू लूप लगाते हैं तो डू लूप और व्हाइल लूप में अंतर क्या है, डू में पहले हमारे पास डू आता है और बाद में हमारे पास कंडीशन, जैसे हमने दे दिया सी आउट आई हैंडल और आई की हमने वैल्यू यहाँ पे कर दी आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। तो पहले वैल्यू, और इसमें एक खासियत और होती है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, वन टाइम एक बार आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, कंपाइल और प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या करना है। तो डू व्हाइल में हमारे पास क्या, व्हाइल में पहले कंडीशन आती है, कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा और नहीं तो वाह। और व्हाइल में क्या, अगर कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, फॉल्स हो एट ए टाइम वन टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्लियर। अब अपन करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनका यूज देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, अगर स्पेसिफिक किसी कंडीशन से आपको लूप को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, जैसे हमने दे दिया फॉर, समझना, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10,
आई प्लस प्लस फॉर इफ, इफ हमने क्या लगा, इफ इफ चाहे तो अपन इसमें इफ सी आउट और यहां पे दे दिया हमने आई एंड डन, और यहां पे दे दिया इफ I इक्वल इक्वल टू अगर 5 हो तो यहां से हम क्या हो जाए ब्रेक, ठीक सेव प्रोग्राम को हमने क्या किया सेव किया कंपाइल और प्रोग्राम को हमने यहां से देखिए 5 के बाद लूप हमारा क्या कर दिया ब्रेक। अगर हम यही ब्रेक की जगह पे क्या कर दें कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दें, क्या लगा दें कंटिन्यू, तो ये क्या करेगा 5 को छोड़ के नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या कर देगा ये कंपाइल, क्लियर। इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं, ये थोड़ा सा आई की वैल्यू लगा दी तो उससे पहले हमारे पास स्टेटमेंट को क्या कर देगा, तो हम जहां से अगर हमें स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना वहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां से हमें ब्रेक करना वहां से स्टेटमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप लोग सही कर लीजिए और इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए, क्लियर। जैसे हमने यहाँ पे दिया ठीक, और इसको यहाँ से हमने यहाँ से इसको ये देखिए 5 की वैल्यू स्किप कर दी, 6 से आपने इसने कंटिन्यू कर दिया। अगर हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं तो 5 के बाद की वैल्यू को क्या कर देगा ब्रेक कर देगा, आगे की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, क्लियर। तो ये हमने प्रोग्राम आपका सही कर दिया, इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।